अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह एक रियल ओपल को बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के, बगैर कोई मीटर यूज़ किए घर पर टेस्ट कर सकते हैं। ये मेरे पास कुछ ओरिजिनल ओपल पड़े हुए हैं। मार्केट में आजकल इस तरह के फेक ओपल आ गए हैं कि ओरिजिनल और फेक में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो गया। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप घर पर बैठे किस तरह से एक ओपल को टेस्ट कर सकते हैं बगैर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए। सबसे पहले इसमें तो ये इसकी फायर है, ये आप देख सकते हैं कि जो रियल ओपल होता है उसकी फायर और फेक ओपल की फायर में देखने से ही पता चल जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप दिल की तसल्ली करना चाहते हैं तो ओपल एक ऐसा पत्थर है कि जिसको पानी में रखें तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो आज हम आपको पानी में रख के इसका टेस्ट करवाएंगे, जिसके लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो ये ओपल हम आपके सामने एक ग्लास पानी में, गिलास में थोड़ा सा पानी दें और उसमें ओपल को रखें और 5 से 10 मिनट तक वेट करें, जब तक ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। ट्रांसपेरेंट होने के बाद भी हम इसकी आपको वीडियो दिखाएंगे। ओपल को पानी में रखे हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं और इसने साइड से ट्रांसपेरेंट होना भी स्टार्ट कर दिया है। ये डिपेंड करता है ओपल की थिकनेस के ऊपर कि वो कितने टाइम में ट्रांसपेरेंट होता है। अगर आपका ओपल फ्लैट है तो वो 5 से 10 मिनट में हो जाएगा, लेकिन अगर वो थोड़ा सा मोटा है तो वो तकरीबन 15 से 20 मिनट, 25 मिनट तक लेगा। ये ओपल को रखे तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं, लेकिन ये अभी पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ। तो जब तक ये ट्रांसपेरेंट होता है हम आपको बाकी जो हमारे पास ओपल पड़े हैं उनके भी वीडियोस दिखाते हैं और साथ बताते हैं कि किस तरह, किस ओपल की क्या क्वालिटी है और इसको किस तरह से पहचाना जाए। तो इसको दोबारा पानी में रख देते हैं। तो जी, ये हमारे पास, ये भी एक वाटर ओपल है, इथोपियन ओपल भी इसे कहते हैं।
एक अच्छा ओपल वही होता है जिसकी फायर आम आंख से नजर आए, और जो लो क्वालिटी ओपल होता है उसकी जो फायर होती है वो आम आंख से नज़र नहीं आती। मेरे पास एक लो क्वालिटी ओपल भी पड़ा हुआ है जिसकी फायर इसकी निस्बत कम है, और आप वीडियो में आसानी से देख सकेंगे। तो ये एक ओपल है, ये भी वाटर ओपल है, लेकिन इसकी जो फायर है वो दूसरे ओपल्स की निस्बत कम है। सो इसको क्वालिटी वाइज लो कहेंगे, लेकिन है ये भी ओरिजिनल ओपल, ओरिजिनल वाटर ओपल। इसके बाद हमारे पास ये ब्लैक ओपल है। ब्लैक ओपल थोड़ा सा रेयरेस्ट ओपल है, तो इसकी प्राइस भी जो है वो दूसरे वाटर ओपल से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। बाद हमारे पास ये एक और खूबसूरत सा ओपल है, इसको भी अगर हम पानी में रखेंगे तो इसका कलर भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा कुछ देर के बाद। हमारा ओपल तकरीबन 90% ट्रांसपेरेंट हो चुका है, हम इसको बाहर निकाल के आपको दिखाएंगे। तो ये देखें जी, जो रियल ओपल होता है उसने अपना सारा कलर जो है वो छोड़ दिया, लेकिन इसकी जो शाइन है वो अभी तक आपको उसी तरह ही नज़र आएगी जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में थी। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई ओपल को पानी में रखेंगे तो ओपल तो ख़राब हो जाएगा, इसका जो नेचुरल कलर है वो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ओपल वाहद पत्थर है जो पानी को अब्सॉर्ब करता है, और इसको जैसे ही हम किसी खुश्क जगह पे रखेंगे या इसको खुश्क करेंगे तो ये तकरीबन थोड़ी देर के बाद अपनी असल हालत में वापस आ जाएगा। कोई घुमाने वाला नहीं है।